हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं कवर करूंगा DGCA के इम्पोर्टेंट अपग्रेड्स के बारे में जो उन्होंने अपने सर्विसेज में किया है एंड आप सभी के लिए जानना जरूरी है, तो आइए देखते हैं। तो DGCA ने एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया है eGCA के नाम से, विच स्टैंड्स फॉर ई गवर्नेंस ऑफ सिविल एविएशन। एंड इसमें उन्होंने ऑफलाइन मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को कम्प्लीटली ऑनलाइन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा एंड अच्छा स्टेप है बोथ फॉर एस्पायरिंग पायलट्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग पायलट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले इसके लिए बहुत भाग दौड़ करना पड़ता था दिल्ली हेड ऑफिस पर्सनली जाकर, जिसमें टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट होता था। तो अब से ये काफी इजी हो जाएगा। बट इनके सर्विसेज को अवेल करने के लिए पहले आपको इनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो बहुत ही सिंपल है। बस आपको अपना बेसिक डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देन आपको एक यूनिक आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए, एंड आप अपने डैशबोर्ड से सभी चीजें एक्सेस कर पाओगे 24/7। एंड एक और अच्छी बात है कि इसी में भारत कोश वेबसाइट को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। दैट मींस एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। अब वन बाय वन देखते हैं किन किन सर्विसेज को अपडेट किया गया है। इसमें फर्स्ट अपडेट है CPL से रिलेटेड। तो अब से लाइसेंस इश्यू, फॉरेन CPL कन्वर्जन, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग इश्यू एंड एक्सटेंशन ऑफ रेटिंग, इन सभी का एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन लिया जाएगा। बस आपको ईच एंड एवरीथिंग जो ऑफलाइन करते थे उसे ऑनलाइन फिल करना है, एंड जहां डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वहां सिंपली स्कैन करके उसे अपलोड करना है। देन आफ्टर प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, लाइसेंस आपको पहले की तरह होम एड्रेस पर ही भेजा जाएगा, बट अब ये प्लास्टिक कार्ड्स के फॉर्म में इश्यू किया जाएगा, सेम लाइक योर ATM और पैन कार्ड। सेकेंड अपडेट है Class 1 मेडिकल रिन्यूअल से रिलेटेड, जिसमें यूजुअली स्टूडेंट्स को काफी स्ट्रगल एंड वेट करना पड़ता था। तो अब से मेडिकल रिन्यूअल के लिए आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट करना है e-application फॉर्म फिल करके, एंड मेडिकल सेंटर सिलेक्शन भी उसी में अवेलेबल रहेगा। बस आपको ऑनलाइन डिटेल्स फिल करना है, मेडिकल रिपोर्ट्स अपलोड करना है जो आपने NABH और NABL हॉस्पिटल से करवाया है, देन सबमिट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन भी आपको वहीं पे आ जाएगा। एंड जब भी आपका रिपोर्टिंग डेट है आपको उस दिन Class 1 एग्जामिनर के पास जाना है, एंड वहां वो बेसिक चेकअप के बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे, दैट इज CA 35। बट फाइनल असेसमेंट जो पहले बाय पोस्ट भेजा जाता था, अब वो डायरेक्टली आपके इस पोर्टल में प्लस आपके ईमेल आईडी में भी भेजा जाएगा, जो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड अपडेट है पायलट्स लॉग बुक से रिलेटेड। तो अब से आपको अपना फ्लाइंग डिटेल्स एक स्पेसिफिक ई लॉग बुक में एंटर करना है फॉर लाइसेंस इश्यू, रिन्यूअल, कन्वर्जन एंड एंडोर्समेंट प्रोसेस। एंड ये ऑप्शन आपके डैशबोर्ड में ही अवेलेबल होगा, तो जितना भी आवर्स आपने फ्लाई किया है ईच एंड एवरी डिटेल आपको मेंशन करना है कि आप कौन से एकेडमी से फ्लाई कर रहे हो, कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हो, कहां से कितने टाइम टेक ऑफ किया, आपने लैंडिंग कब किया, आपका रोल क्या था उस फ्लाइट में, सिंगल इंजन और मल्टी इंजन, ईच एंड एवरीथिंग जो ऑफलाइन रहता है वो आपको ऑनलाइन करना है। इन एडिशन अगर आपको किसी प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रहा है, देन उसका इन्होंने कुछ ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम बनाया है जिससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। प्लस इन सभी सर्विसेज का सेपरेट एंड डिटेल्ड यूजर मैनुअल अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप चाहो तो उसको रिफर कर सकते हो। तो ये था मेजर अपडेट्स, एंड इससे कंप्लीट प्रोसेस काफी हद तक सीमलेस हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।